हाय दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सदर्न ओशन वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस की सीरीज का पार्ट है। वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस हमारी एस क्लास की सीरीज है और सदर्न ओशन वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस की सीरीज का चौथा वीडियो है। आपको बाकी के वीडियो देखने हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। तो चलो अब सदर्न ओशन को गहराई से समझते हैं। सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर, जिसे कभी कभी अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और इसे आर्कटिक महासागर के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। महाद्वीपों से घिरे अन्य महासागरों के विपरीत सदर्न ओशन की उत्तरी सीमा एक सरकमपोलर करंट है। अंटार्कटिक को सरकमपोलर करंट द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह धारा दुनिया की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे गहरी समुद्री धारा है, जो पृथ्वी की जलवायु को रेगुलेटेड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलो अब हम सदर्न ओशन को और भी गहराई से समझते हैं। अंटार्कटिका को घेरने वाला सदर्न ओशन चौथा सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के क्लाइमेट और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने ठंडे तापमान, शक्तिशाली हवाओं और इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स के लिए जाना जाता है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ता है। एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट या ACC दुनिया की सबसे मजबूत समुद्री धारा है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी सदर्न ओशन रिच बायोडायवर्सिटी रखता है, जिसमें पेंगुइन, सील, व्हेल और क्रिल जैसे समुद्री जीव शामिल है। यह क्षेत्र अंटार्कटिक बर्फ की चादर से काफी प्रभावित है और हर वर्ष गतिशील बर्फ और ग्लेशियर से प्रभावित रहता है। सदर्न ओशन क्लाइमेट चेंज ओशनोग्राफी एंड मरीन बायोलॉजी को समझने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान है। हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल नेविगेशन ने सदर्न ओशन पर प्रकाश डाला है। हमारे ग्रह के इस अनूठे और महत्वपूर्ण हिस्से की सिक्योरिटी के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की आवश्यकता है। सदर्न ओशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सदर्न ओशन जियोलॉजिकली रूप से सबसे छोटा महासागर है, परंतु आकार के हिसाब से यह चौथा सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी लंबाई लगभग 26,000 किलोमीटर है। सदर्न ओशन का जन्म 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका अलग अलग हो गए थे, जिससे ड्रेक मार्ग का निर्माण हुआ था। दक्षिणी महासागर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को रेगुलेटेड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिणी महासागर मौसमी समुद्री बर्फ परिवर्तनों का अनुभव करता है। सर्दियों के दौरान समुद्री बर्फ का आवरण 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। गर्मियों के दौरान काफी बर्फ पिघल जाती है, जिससे ये सिकुड़ जाता है। दक्षिणी महासागर पेंगुइन, सील, व्हेल, अल्बाट्रॉस और क्रिल जैसे कठोर परिस्थितियों के में जीवन बिताने वाले जीव शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिणी महासागर को महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ रहा है। समुद्र के बढ़ते तापमान से समुद्री बर्फ के आवरण को खतरा है, जिससे पूरे मरीन इकोसिस्टम पर कैस्केडिंग प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना भी उभरती हुई चिंताएं हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के निष्कर्ष को जानते हैं। दोस्तों, सदर्न ओशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महासागर कुछ ऐसे जीवों का घर है जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी घुसपैठ के कारण ये महासागर अपनी पहचान खो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस की सीरीज में इंटरेस्ट है तो हमारी वर्ल्ड्स ग्रेट ओशंस वाली प्लेलिस्ट चेक करें। आपको पक्का मजा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।